आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यार रमजान महीना हम लोग कैसे कैसे गुजारे हमको मालूम, ऐसा बोलो ना, बोलो ना तुम जैसे भाई संडास का पानी बहता है, तकलीफ है, पूरी संडास गटर भर जाती, पूरे कीड़े गटर अंदर आ जाते, आधे आधे ड्राम डालो जब कीड़े बाहर जाते, हम दोपहर को तो दोपहर को छोड़ देता, इतनी बास आती गटर में, घर में खाना भी जी नहीं बोलता, बाहर बैठना भी जी नहीं बोलता, निस्ती एंड टाइम कभी भी गटर छोड़ देता। कितने साल से तकलीफ उठा रही हम आपको, तो मेरे को तो आने को 3 साल हो गए भैया, मैं तो 3 साल से उठा रही तकलीफ, बाकी के ये बेचारे जब से रह रहे उनकी तकलीफ उनको मालूम, मगर इतनी तकलीफ है सबको यहाँ संडास की गडर की, सस करते दो दिन कचरे उठते नहीं, ये यहाँ गडर का कचरा लगाए तभी सबने बोले जब जाके कचरा उठा आके। हाँ हमेशा संडास का पानी बार बार आता, उनको बोल के तकलीफ अपन परेशान हो जाओ तो कोई आता नहीं, कचरा निकाले 3 गन पड़ लेता, 3 गन 8 दिन पड़ा रहा। हम लोग रोजगार के बाद में हमारे बच्चे बीमार रहते हैं, कोरोना चालू है, दुनिया भरी परेशानी रहती है, यहाँ कचरे का बोलो दुनिया भर का रमजान महीने का महीना कचरे का बोलो, कचरा कोई उठा दे नहीं, कचरा उठा दिए तो कचरा का उठा रात में और दिन भर झाड़ू नहीं लगती फिर उसके ऊपर, हमेशा की परेशानी रहती है। कार बोर्डर आते हमारे नियाल साहब आते यहाँ, नियाल हाजी और उसके अलावा कोई नहीं, सलीम हाजी आएंगे, नियाल आ जाएंगे, सलीम मेम्बर भाई, तीन ही जना कार्बोनल गन शिकायत करते हैं, उनको भी चाह रहे आगे बोल दो लाइट लगाएंगे साफ सफे करते चले, भी दूसरे दिन वैसे ही हो जाता, वो लोग भी वैसे की वैसे गान गंदा की जाती, बहुत तकलीफ होती है हमको उससे, गटर भी निकालते हैं साफ नहीं होती कचरा, पानी जो छोड़ गए इसमें, हाँ ये संडास में पानी आता वो भी सब इधर आता, बास आती बहुत, बास आती है तकलीफ हो जाती है, खाना खा बहुत गंदगी, नाली बना ये दीवार उठा लेंगे यहाँ तो अच्छा हो जाएगा। संडास का पानी बंद करने लगा इसके वजह से सब बीमारी फैल जाती है, दो वाली संडास का भी छोड़ देता वो पानी, हमारे वहाँ बाल बच्चे सब बीमार सीमार गिरते हमारे वहाँ, तो ये पानी बंद करने लगा दिन में पानी, रात में बया तो चल बहने लगा छोड़ देता, तुम भी कुछ बोलो सही, ये देखो यहाँ पर कचरा गिराते और यहाँ पर कचरा गिराते और बोलने जाओ ना तो क्या बोलते कि संडासा के सामने रहते, डायरेक्ट ऐसा बोलते कि तुम संडासा के सामने रहते, हम कहीं भी डालो कचरा, इधर के ही लोग बोलते जो डालते हैं ना उनको बोलो ना यहाँ मत डालो, डायरेक्ट बोलते यहाँ संडासा के सामने रहते हम यही डालेंगे कचरा, संडास का पानी जो बहता उससे क्या तकलीफ, उससे भी बासूस आती ना बहुत तकलीफ है, सब पूरा पानी घर में घुस जाता, घर में घुस जाता है सब गंदा पानी हमारे, पूछो मत, पूरी गली परेशान, पूरा यहाँ से वैसे लोग परेशान, कब भी गटर छोड़ रहे हो, कितने सालों से तकलीफ उठा, बहुत तकलीफ है वो, जब से संडास बनी, जब से संडास बनी ना, जब से वही शिकायत आपने मतलब कोई करे बहुत दफे करे लेकिन नहीं कि सुनवाई नहीं कराई नहीं, हमने बहुत बच्चे आगे रहते उनको बोले, बच्चों ने बोले सुनवाई नहीं हुई है, सुनवाई नहीं, सब भी गटर हमारे, देखो रोजा खोलने के टाइम नमाज पढ़ने के टाइम ऐसी नाक नहीं लिए जाती, क्या बोलना तुम, बहुत परेशान है, इतनी तबीयत खराब हो जा रही है हमारे बुढ़े बुजुर्ग लोगों की, माहौल कितना खराब, ये बीमारी का मतलब पहले ये बीमारी का मटला चालू है, कोई सुनवाई नहीं उसकी, सुनवाई नहीं, गटर सही निकलती नहीं वो सही, ये बच्चे को बुला के लाए हमने वो पूरी बात उठाए, हमारे शिकायत करे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी सुनवाई नहीं होती, किसको बोलते हैं जो वर्कर लोग जो लीडर है सलीम भाई वो लोग बर्तन वाला उनको भी बोलते हम लोग, लेकिन मसले का हल नहीं, कोई मसले का हल नहीं है, कुछ करते हम तो खुद 15 साल से है और जूझ रहे, वही गटर का मसला है, ये मसला सॉल्व हो ही नहीं रहा, कोई सुनता ही नहीं, क्या लगता है आपको कैसे हल होगा ये मसला, अब वो लीडर लोग के हाथ में ना म्यूनसिपालिटी से कुछ करेंगे, हम तो इतने टाइम बता गए सब कीड़े गटर के सब हमारे डाकी में जाते, इलेक्शन के टाइम में जब मतलब आपके घर पे आते थे जब आप ये शिकायतें नहीं रखते बोलते तो इतनी पब्लिक रहती है कुछ सुनवाई नहीं होती, हाँ ठीक है इलेक्शन बात कर लेंगे, करते ही नहीं कोई, फिर 5 साल गुजर जाते, फिर 5 साल जाते फिर आते वो लोग, हम लोग तो यही बार बार बोलते कि इसका मसला हल करो। अब ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं ये उस संडास से 500 मीटर की दूरी पर, ये हम तीसरी गली निहाल नगर के अंदर आ चुके हैं और जिसका पानी जवीर भाई निहाल नगर की पांचवी गली में आ गए हैं, ये संडास है सलीम नगर के उस हद में
और हम निहाल नगर में आ चुके हैं पाँचवीं गली के पास। और संडास का ये जो पानी है वो इस तरीके से मतलब यहाँ से निकल कर और न जाने इस दर से कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलियों से होता हुआ गुजर रहा है, कितने परिवारों को कितने लोगों को दिक्कत परेशानी और यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है, इसको हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए। आइए हम आगे और भी दिखाते हैं आपको कि इस गटर का पानी जो बह रहा है इस संडास से निकल कर कहाँ कहाँ तक जाता है और किन किन लोगों को इससे परेशानी आए। शेख मजीद भाई, हमारे कोने से जो भी गटर आती है तो सब वो संडास का पानी उसके अंदर पूरा बह के आता है। 1992 से ऐसे बोले जा रहा है कि भाई हमें गटर बंद कराएंगे, लेकिन 92 से आज कम से कम 2022-21 हो गया फिर, लेकिन आज भी कुछ काम नहीं हुआ उसका। हम लोग परेशान हैं, रोज़ा खोलते वक्त ये सब गहन आती है। क्या लगता है आपको इसका निवारण कैसे हो? इसके निवारण अभी देखो आप जो हम लोग जो अब सब तो जम रहे तो आप भी इसका कोशिश करना चाहिए जो यहाँ के जो मेयर है। इलेक्शन के वक्त तो सारे लीडर आपके घरों तक चल कर आते हैं, तो आपने कभी ये बात नहीं रखी क्या? रखे थे बात, वो दो बार रखे, वो दो तीन बार बात भी रख चुके हैं, लेकिन वो बात ऐसी करते हैं कि भाई हम फर्ची बढ़ाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, वोटें हो गई, इलेक्शन हो गया, बात खत्म हो जाती, बाद में आते भी नहीं वो लोग देखने के लिए। मतलब हर पाँच साल में वादा, हर वादे पे वादा करते चल रहे, फिर वादा खेला, हर वादा किया है। और आप 20 सालों से ऐसी प्रॉब्लम में बस ये ऐसी कर रहे हैं, 20 साल से कम्प्लीट हो चुका है 20 साल। आजम खान निहाल नगर आडवी गली। ये मतलब ये तकलीफ जब शुरू होती है तो कितने घंटे तक चलती? ये कम से कम 5 से 6 घंटा रहती तकलीफ, अभी रोज़ा खोलने तक के ये तकलीफ रहेंगी, कोई बाहर बैठ भी नहीं पाता है। ये रोज़ की प्रॉब्लम है, रोज़ एक दो दिन आड़े की रोज़ की प्रॉब्लम है ये। कभी कभी तो ऐसा होता है सुबह भी और शाम में भी इन्हें बास आती, और बोलो तो यानी संडास वाला बोलते हैं हमारा पानी उधर जाता, फिर वापस ये पानी किधर से आता? ये पानी बहता है तो ये दिखाई नहीं देता है, फोटो वोटू गाड़ के उनको बताए भी हम लोग तो बोलते हमारा पानी नहीं। नहीं तुम जाए क्या तकलीफ है आनंद जी पानी से? अरे इससे वो संडास की बात आती है ना, उसके संडास का पानी छोड़ दिए उसके अंदर सब संडास का पूरा पानी आया था, गटर पूरी भर जाती, पानी बाहर आने लगता, लाया सब बाहर निकलते दरवाजे तक के लाया आके सब। इसकी बदबू कितनी थी? बहुत बदबू आ रही है, समझ लो कि सुबह सुबह से चल रही। कितने घंटे तक रहती है इसकी बदबू? ये कम से कम अब जब तक पानी निकलेगा नहीं पास नहीं होगा तो बदबू आएंगी ना। गटर तो ब्लॉक ही चाहिए, वो तो ब्लॉक है ना, पूरी पूरी गटर ब्लॉक है तो सब संडास का पूरा पानी उसमें रुका हुआ है ना, वो सब पास होगा जब भी तो पास कम होगी, उसका पानी पास ही नहीं हो रहा, उसका सब ब्लॉक हो गया। मतलब आप झेलते तो क्या, मतलब कोई अपने कहीं अपनी बात को नहीं रखते क्या? नहीं ये एरिया कोई देखने वाला है ही नहीं, हो रफीक को बोल दो तो रफीक आगे कर देता, लेकिन अब वो कैसा है कि एकदम गटर साफ होती ही नहीं, अब इतनी उतनी साफ हुई तो फिर वो घान हो जाती है, सब ब्लॉक हो जाती है। रफीक खान ये घर है, यहाँ मैं कम 55 ही आ रहा मेरा, यहाँ पैदाइशी है कि ये तकलीफ से कब से? ये तकलीफ में कम से कम बचपन से देख रहा मैं, ये तकलीफ है। ये तकलीफ अभी करना लाएंगे ना, पूरा गटर का पानी रोड पे आएंगे वहाँ तक। अच्छा ये गटर का पानी रोड पे आता है, संडास से निकला? संडास का निकला हुआ गटर का दोनों पानी और नल का भी पानी साथ में आता। बदबू किस तरीके से? मतलब बदबू इतनी आती है नमाजी लोग भी रास्ता बंद कर दिए, ये रास्ते से जाते हैं नहीं, नमाजी लोग भी क्या करें, नमाज जाना पड़ता उनको, हिसाब से इधर से आते आते नहीं, पूरी गटर में रहती भरे रहती, ऊपर गटर वाले आते ऊपर ऊपर के गान बता के यहाँ रख देते दिखावे के वास्ते का भाई होगी साफ। अभी देख लो तुम 2 फुट 2.5 फुट रहती अंदर फसील है, जब भी आते हो पार्टी से अंदर को निशान दिख रहा हूँ आपको, पूरा गटर का पानी ये पूरा निशान है, अभी जरा गान अटक जाएंगे तो रोड पर पानी आया। पब्लिक टॉयलेट है जिसका पानी जो ड्रेनेज का जो पानी होता है उसे हर एक दिन के आड़े मतलब जो है तो छोड़ दिया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर आवाम में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानियों का सामना है। आवाम इस तकलीफ़ से लगभग 20 से 25 सालों से जूझ रही है। आज उन लोगों ने हमें फ़ोन कर यहाँ बुलाया और कहा कि आप आइए और देखिए कि हमारी तकलीफ़ और हमारी परेशानियाँ क्या है। हमने यहाँ पर घूम कर लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की, उनसे मालूमात लेने की कोशिश की, तब हमें पता चला कि इसका क्या क्या तकलीफ़ और क्या क्या परेशानियाँ हैं। आइए हम इस वार्ड के सोशल वर्कर समीर भाई से भी मुलाकात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जो इसी इलाके में रहते हैं, वो हमें तफसील से बताएंगे कि इस इलाके की परेशानियाँ और कितने सालों से यहाँ की आवाम इस मसाइल से जूझ रही है। आइए मुलाकात करते हैं समीर भाई से। न्यूज़ चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी बात को लब्बैक कहते हुए हमारी मदद करने की कोशिश की,
आज 25 साल से ड्रेनेज की गडर है। पानी आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ड्रेनेज का पानी आना ये बहुत बुरी और शदीद बात है। वजह ऐसी है कि हगनदारी मुक्त भारत होने को आज कितने दिन हो गए, उसके ऊपर कायदा बनाया गया। मोहतरमा संगीता धायगुड़े जो कि यहाँ के एक्स कमिश्नर थी, उन्होंने दूसरा अवार्ड जीता सफाई और सेहत के मामले में मालेगांव के अंदर यानी ये, और उसी यानी रिहाइश के एरिए से पूरा ड्रेनेज का तकरीबन 20,000 लोगों का हमाहमी करता हुआ जो ड्रेनेज का पानी है इस एरिए से जाता। तकलीफ ऐसी है कि जो ठेकेदार है, जो पर्सनल संडास का जो ठेकेदार है कॉन्ट्रैक्टर है, वो बार बार यानी समझ लेना आउटलेट छोड़ देता है, और खाली पानी नहीं मैला भी साथ में बहता है। ये जो है तकलीफ़ है हमारी। हमको किसी से शिकायत अगर है तो ये है कि हमारा काम करके दे, चाहे फिर अब कौन करके देता उसके ऊपर। हमने हर तरीके से यानी समझ लेना वार्ड के कॉर्पोरेटरों को भी मदद की है, वार्ड के कॉर्पोरेटर ने भी हमारी मदद करने की कोशिश की है। उन्होंने आके ठेकेदार को कई मरतबा फ़ोन किया, एसआई वालों को, लेकिन प्रशासन के इसके ऊपर कोई पकड़ और कोई वचक है नहीं। तो हमारा मुतालबा यह है कि हमारी ये जो तकलीफ है इसे दूर कर दी जाए। एक तो ये ड्रेनेज का पानी बंद होना चाहिए सबसे पहले, और दूसरा जो ड्रेनेज का जो नया कायदा है हगनदारी मुक्त भारत की वजह से, और जो यानी समझ लेना ड्रेनेज की जो नई गटर बनी है, ड्रेनेज की इस गटर को शमूलियत करते हुए दूसरे एरिए से इसकी यानी समझ लेना आउटलेट को निकाला जाए। खाली हमारी इतनी बात है, लेकिन इसकी पीसी बनाकर इसकी पाइपलाइन का काम अगर डाला जाए और वहीं से अगर वो पाइपलाइन नदी के अंदर डाल दी जाए तो ये भी इसका सोल्यूशन है। बिल्कुल सही सोल्यूशन है। कॉर्पोरेटर को इस ताल्लुक से बोला गया है, उन्होंने चालू बजट के अंदर बोला है कि हम लोग ये काम को करने की कोशिश करेंगे। और अनकरीब यानी समझ लेना अभी ऑफिसेस तो आज बंद है, आज संडे का दिन है। हम इन्हें समझ लेना ये विषय को लेके मोहतरम इन्हें समझ लेना मेयर साहब के पास भी जाने वाले ये बात को रखने के लिए, और उनके पास जाके हमारी शिकायत को हम लोग रखने वाले कि अगर ये लोगों के पास फंड की अगर कुछ दिक्कत होंगी तो साहब से फंड लेके या जो मेयर साहब है उनके फंड से ये काम करवाने की हम लोग कोशिश कर रहे, जद्दोजहद कर रहे। लेकिन आज तात्पुरते स्वरूप में रमज़ान का महीना है, कोई तरीके की रिलीफ नहीं है कि ये पानी बंद नहीं होता। कम से कम वो हो जाए तो ईद के बाद तो हम लोग जाके पाठ पुरावा करके करने की कोशिश करने ही वाले हैं। अच्छा, कभी इस ताल्लुक से रफी साहब या मेयर मैडम से मुलाकात नहीं? उनसे ये मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब जो है मामला सर से ऊंचा हो गया, इसलिए हमको उनसे जाकर भी मिलना, और हम उनको जाकर के हमारी शिकायत रखने वाले हैं सर।